पंचायती राज चुनावों के नतीजों पर यूपी में किसान रैली को लेकर के गहलोत ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में उमड़ी किसानों की भारी भीड़ दिखाती है कि उत्तर प्रदेश और देश का किसान भाजपा से त्रस्त हो चुका है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कल आए पंचायती राज चुनाव के नतीजों से साफ हो चुका है कि किसानों में भाजपा के खिलाफ भारी नाराजगी है और वो भाजपा को सबक सिखाने के मूड में है। जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव से ठीक पहले उम्मीदवार चयन को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी में अंदरूनी खींचतान मची हुई है और इसी वजह से अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई। कांग्रेस में जोधपुर जिला प्रमुख के लिए सबसे ज्यादा विवाद हुए हैं। लीला मदेरना और मुन्नी देवी गोदारा दोनों चुनाव लड़ने पर अड़ी हैं। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह में प्रशासन की लापरवाही इन दिनों मरीजों पर भारी पड़ रही है। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट विभाग में एक मशीन पिछले एक महीने से खराब पड़ी थी और इसी कारण मरीजों को मजबूरन इलाज करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कई बार प्रशासन को शिकायत के बावजूद मशीन को अब तक ठीक नहीं करवाया गया। अगर आपने स्नातक स्तर की पढ़ाई कर ली है और बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो अब भत्ता मुफ्त में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको नज़दीकी सरकारी विभाग में 4 घंटे तक ड्यूटी देनी होगी। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास नियम से पहले 3 महीने का प्रशिक्षण भी लेना होगा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष बाद सरकारी ऑफिसों में लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही। JDA और नगर निगम में कर्मचारियों की लापरवाही के चलते हुए आम लोगों के भूखंडों के पट्टे फंसे हुए हैं और जारी भी नहीं हो पा रहे। यह खुलासा सहायक निदेशक लोक सेवाएं कलेक्ट्रेट जयपुर की जांच में हुआ है और रिपोर्ट के अनुसार JDA में 12,500, ग्रेटर निगम में 518 और हेरिटेज में 96 पट्टे अटके हुए हैं। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़19 के साथ। नमस्कार।